तो दोस्तों आज हो गई है 27 जून और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में ईवीएम बदलने का लगा है आरोप, धर्मेंद्र यादव बोले संसद में उठाऊंगा सवाल। जी हां दोस्तों खबर बताते चलें, आजमगढ़ संसदीय सीट के लिए हुए उपचुनाव के बाद आप लोगों को बताते चलें, जबरदस्त मतगणना के दौरान बवाल देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने स्ट्रांग रूम की ओर रुख किया तो उनको रोक लिया गया, और वहीं आप लोगों को बताते चलें उनको रोकते ही वह पुलिस कर्मियों पर भड़क गए, जिसके बाद यहां पर आनन फानन में प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और डीएम ने खुद आकर के उनको स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति दी। इस दौरान यहां पर आप लोगों को बताते चलें प्रशासन पर धर्मेंद्र यादव भड़क गए हैं और उन्होंने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक ईवीएम के जरिए चुनाव होता रहेगा तब तक देश में कभी भी भाजपा को हराया नहीं जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संसद में ईवीएम पर सवाल उठाएंगे और ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं, ऐसी मांग यहां पर संसद में उठाने की बात कही है सपा के नेता धर्मेंद्र यादव ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें, शिवसेना के बागी विधायकों को केंद्र सरकार की सुरक्षा, मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों खबर बताते चलें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अब बागियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताते चलें 16 विधायकों को विधानसभा के उपाध्यक्ष ने चिट्ठी भेज करके 5:30 बजे तक हाजिर होने के लिए कह दिया है, और वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के गुट में मौजूद बाकी मंत्रियों को बर्खास्त करने की चिट्ठी राज्यपाल को भेज सकते हैं। दरअसल दोस्तों सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे समेत 6 बाकी मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश महाराष्ट्र के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर के कर सकते हैं। ये यहां पर उद्धव ठाकरे बड़े एक्शन की तैयारी में अब नजर आ रहे हैं। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार पर बोले हैं आजम खान, कहा भाजपा ने सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही करवाए चुनाव, चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है देश में। खबर बताते चलें, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की पराजय के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक आजम खान ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके रामपुर की जनता की जीत को हार में बदल दिया। आजम खान ने दावा किया है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ईमानदारी से चुनाव कराए और अगर उनका उम्मीदवार हार जाए तो वह राजनीति ही छोड़ देंगे। इसके साथ ही आजम खान ने रामपुर में भाजपा प्रत्याशी की जीत को लोकतंत्र की हार यहां पर करार दिया है। इसके साथ ही आजम खान ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है और कहा है कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कराता है और भाजपा ने इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया है। इसके साथ ही अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें, एकनाथ शिंदे ने खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, डिप्टी स्पीकर की नोटिस और अजय चौधरी की नियुक्ति को दे दी गई है चुनौती। जी हां दोस्तों खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम गहराता ही जा रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि राज्य में सरकार बनाने के लिए अब भाजपा भी सक्रिय हो गई है और अमित शाह पूरी तरह से अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच आप लोगों को खबर बताते चलें, बागी शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के द्वारा महाराष्ट्र के बागी विधायकों के खिलाफ जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में शिंदे की जगह अजय चौधरी को सदन में शिवसेना के विधायक नेता के रूप में नियुक्त करने को भी चुनौती दी गई है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि 20 मई को ही सीएम उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। यहां पर अपडेट है। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
शिव सैनिकों ने जताया है जबरदस्त विरोध, फूंका है शिंदे का पुतला। खबर बताते चलें, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसेना मेरठ इकाई ने जिला प्रमुख संदीप गर्ग के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे मुर्दाबाद के नारों के साथ में पुतला फूंक करके अपना विरोध जताया है। ये यहाँ पर अब शिंदे गुट के खिलाफ देख सकते हैं कि शिव सैनिक सड़कों पर उतरने लगे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक बार फिर से निशाना, कहा भारतीय संघर्ष कर रहे हैं और प्रधानमंत्री उनका ध्यान भटकाने में व्यस्त हैं। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब भारतीय संघर्ष कर रहे हैं तब पीएम मोदी ध्यान भटकाने की अगली योजना बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को ध्यान भटकाने की कला में महारत हासिल है, लेकिन इससे सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर, 30 साल के उच्च थोक सूचकांक और LIC से जुड़ी अवमूल्यन विपदाओं पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है और ना ही DHFL के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी पर पर्दा डाला जा सकता है। यह सब कुछ मोदी सरकार में ही हो रहा है। ये यहाँ पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ले लिया है निशाने पर और कहा है कि वह देश और जनता का ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं और जो असली मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं विधानसभा अध्यक्ष के बेटे। कांग्रेस बोली, BJP की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के पुत्र राहुल गौतम रीवा जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 27 से चुनाव हार गए हैं। उन्हें चुनाव हराने वाला कोई और नहीं, उन्हीं का चचेरा भाई और विधानसभा अध्यक्ष का भतीजा है। और वहीं बताते चले, इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के निशाने पर भाजपा आ गई है। गिरीश गौतम के बेटे की हार पर कांग्रेस के नेता कटाक्ष कर रहे हैं। राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा ने ट्वीट करते हुए विधानसभा अध्यक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गौतम जी, माननीय स्पीकर, MP विधानसभा कभी भाजपा विचारधारा के थे ही नहीं, केवल पार्टी के मेंबर हैं। MP में शिवराज जी और भाजपा के विरुद्ध लहर है। 2023 की गिनती मेरे मत में शुरू हो चुकी है और अब जनता भाजपा की विदाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, नूपुर शर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें। नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी कोलकाता पुलिस। एक और समन पर नहीं हुई है हाजिर। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, BJP से निलंबित नेता नूपुर शर्मा एक बार फिर कोलकाता के एक पुलिस थाने के समन का पालन करने से इनकार कर चुकी हैं और वह पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हुई है, जबकि यह दूसरा समन था कोलकाता पुलिस की तरफ से। और यहां पर एक बार फिर से मुश्किलें नूपुर शर्मा की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कोलकाता पुलिस के सूत्रों का कहना है कि किसी भी वक्त कोलकाता पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है और नूपुर शर्मा को हिरासत में ले सकती है। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार से अग्निपथ योजना वापस लेने की कर दी है मांग, कहा PM समय दें तो उनसे चर्चा करूंगा। खबर आप लोगों को बताते चलें, अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सरकार को यह योजना वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी मिलने का वक्त दें तो उनके साथ इस पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अग्निपथ स्कीम पर सरकार को दोबारा विचार करना ही पड़ेगा। यह योजना बहुत ही शर्मनाक है, युवाओं को नीचा दिखाएगी और इस योजना से युवाओं को कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, इसलिए इस योजना को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। और वहीं जब राज्यपाल से कहा गया कि सरकार तो योजना को वापस लेने के लिए मना कर रही है, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा है कि सरकार चाहे तो पूरे देश पर रोलर चलवा सकती है, मगर यह योजना गलत है और इसे सरकार को वापस लेना चाहिए। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, अगरतला उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं पर हमला। राहुल गांधी बोले, BJP के गुंडों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, देश के अलग अलग राज्यों में खाली हुई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। त्रिपुरा के अगरतला सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं पर हमला हुआ है
और उनसे मारपीट की गई है। कांग्रेस ने मारपीट का आरोप भाजपा के नेताओं पर लगाया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इस घटना की निंदा की है और कहा है कि बीजेपी के गुंडों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। उसी दौरान उन पर यहां पर जानलेवा हमला किया गया और हमले का आरोप यहां पर सीधे तौर पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।